दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है, फिर तीन ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से अब जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह 11 बजे की खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सायका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को पूरा ध्यान से देख करके ही जाना क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास है। सबसे पहले तो बता दें कि आंगनबाड़ी बहनों आपके प्री प्राइमरी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग को लेकर के सुबह 7 बजे हमने एक वीडियो दिया है जिसमें 4 आप लोगों को हमने वीडियो दिखाए हैं। ट्रेनर वाली जो बहनें हैं, भाई हैं, वो कैसे वहां पर सिखा रहे हैं, कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है, उसका वीडियो है। अगर आप उसको वहीं का देख लेंगे तो आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी कि आगे ट्रेनिंग में आपको भी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहेंगे एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए, हिंदी की जो किताब है आपकी वो तैयार हो चुकी है। बनारस में तैयार जो है किताब आप लोगों को पढ़ाने को मिलेगी। आंगनबाड़ी के जो प्ले ग्रुप में जो पढ़ाइयां भी चलेंगी तो उसमें बनारस में तैयार हो रही जो हिंदी की किताब है वो आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी और उसी से आप लोग जो है अपना बच्चों को भी पढ़ाएंगी। तो इसके बारे में आपको दोस्तों जानकारी देना चाहेंगे। और भी खबरें हैं, तमाम खबरें इस वीडियो में लगी हैं, पूरा ध्यान से सुनिए और समझिए। सबसे पहले बता दें, जागरण संवाददाता वालों की तरफ से खबर आई है वाराणसी जनपद से कि आंगनबाड़ी केंद्रों में प्ले ग्रुप चलाने की तैयारी तेजी से चल रही है। ग्रुप के बच्चों को बनारस में तैयार हिंदी की किताब पढ़ाई जाएगी। राज्य हिंदी संस्थान हिंदी के साथ अन्य किताबों के निर्माण में जुटा हुआ है। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए तैयार हो रही पुस्तकों से सूबे के आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ाई कराई जाएगी। शासन ने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए प्ले ग्रुप का पाठ्यक्रम तैयार करने की जो जिम्मेदारी है वो राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद को सौंपी थी। जिले में राज्य हिंदी संस्थान को प्री प्राइमरी के हिंदी की पुस्तक तैयार करने की जिम्मेदारी मिली है। गत वर्ष भी हिंदी संस्थान ने जो है हिंदी की पुस्तक तैयार की थी। इस वर्ष 3 से 6 साल के बच्चों के लिए यानी आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए अलग अलग किताब तैयार कराई जा रही है जिन्हें अंतिम रूप देने के लिए राज्य हिंदी संस्थान में कार्यशालाओं की दौर जारी है। राज्य हिंदी संस्थान के निदेशक हैं ऋचा जोशी, उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति में बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने पर बल दिया गया है। प्ले ग्रुप की पुस्तकों में क्षेत्रीय भाषा के अधिक उपयोग करने का जो निर्णय लिया गया है तो जो क्षेत्रीय भाषा होगी आपके वहां की उसी अकॉर्डिंग से पुस्तकें तैयार कराई जा रही हैं ताकि आपके बच्चों को और आप आंगनबाड़ी बहनों को भी उससे पढ़ने और पढ़ाने में मदद मिल जाए, सहूलियत हो, इसीलिए आपकी क्षेत्रीय भाषा पर भी उसमें जोर दिया गया है। अब आगे चलते हैं, आपको बता दें और खबरों की तरफ बढ़ते हैं। ये जो खबर है हमारे पास प्रियंका बहन ने भेजी है लखीमपुर खीरी से है। इसके अलावा दोस्तों आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए, प्रगति ना हो तो बाल विकास अधिकारियों का रोके वेतन, ऐसा भी आदेश दे दिया गया है। चित्रकूट जनपद है आपके, वहां निरीक्षण के दौरान नक्शे को देखते हैं डीएम व सीडीओ, तो यहां डीएम महोदय ने जो है जाकर के अपना निरीक्षण किया है। और हिंदुस्तान वालों की तरफ से खबर छापी गई है, डीएम जो है आपके शेषमणि पांडे जी, उन्होंने जिला पोषण समिति की बैठक की है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों को पोषाहार वितरण, ड्राई राशन, इसकी मात्रा, पैकेट का कलर कोड जो भी है, सैम बच्चों का समुदाय आधारित प्रबंधन, वजन मशीन की उपलब्धता, खाद्य एवं रसद पंचायती राज विभाग, किशोरियों की स्थिति, आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों की श्रेणीवार संख्या, इन बिंदुओं पर समीक्षा की है। साथ ही साथ डीएम ने बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी सीडीपीओ मानिकपुर के व आपके डीएसओ इनके जो है गैर हाजिर होने पर उनसे जवाब तलब किए जाने के निर्देश दिए हैं। आजीविका मिशन के लोगों को भी निर्देश दिए हैं कि ब्लॉकवार जहां पर जिन केंद्रों पर खाद्यान्न अभी तक बटा है उसका कारण समेत विवरण उपलब्ध कराएं। आंगनबाड़ी केंद्रों में बटने वाला जो दूध है व मिल्क का जो पाउडर यानी वही दोनों और घी दोनों लिखना चाहिए था, उसकी व्यवस्था ना होने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास को निर्देश वगैरह दिए गए हैं कि शासन को पत्र भेजा जाए और आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका बनाने का सत्यापन भी काम करवा लें। अधिक कुपोषित जो बच्चे उनको भी चिन्हित कर लें और मऊ व मानिकपुर में 19 दिसंबर को दुधारू गाय दिलाए जाने का जो है कार्यक्रम वगैरह भी प्रस्तावित है। तो आज आपका 19 है और आज ही ये कार्यक्रम भी वहां मनाया जाएगा। ऐसे देख सकते हो बहुत सी चीजें बताई जा रही हैं। अगर वहां पर जो है कहा जा रहा है कि प्रगति की समीक्षा भी कर लें, अगर प्रगति ठीक ना दिखाई दे तो फिर वहां पर जो है बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी सीडीपीओ लोगों का वेतन रोक दो, ऐसी कार्रवाई करने के लिए बोला जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, जो किशोरी है उनको स्कूल जो नहीं जाती है उनको लेकर के जो भी चीजें बताई जाती है कि वो ज्यादा से ज्यादा आए या उनके लिए मान लीजिए यहां पर और भी है शिक्षकों के माध्यम से जो एल्बेंडाजोल की गोलियां भी उपलब्ध कराई जाती है, वितरण कराने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। किसके माध्यम से? शिक्षकों के माध्यम से। ऐसे देखिए बहुत सी चीजें इसमें बताई जा रही हैं। फिलहाल के लिए हम आगे चलते हैं, और भी खबरें हैं इस वीडियो में। एक ये देखिए खबर हमारे पास आई है, जिला गोंडा में डीएलटी की जो ट्रेनिंग है वो शुरू हो गई है। 4 दिवसीय प्रशिक्षण है, फिर ब्लॉकवार होगा राधा कुमारी करनालगंज जो है गोंडा से, करनालगंज गोंडा में पड़ता है वहां से। अब एक बात बता दें आपको, महीना पहले ही आप लोगों को हमने बताया था 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे और
उसमें एक आंगनबाड़ी होंगी, दो मुख्य सेविका बहने होंगी, साथ ही साथ उसमें जो आपके वो लोग भी होंगे, शिक्षा विभाग के भी एक अध्यापक होंगे, ऐसे लोग आएंगे। तो अब आप लोग सोचिए, जो जो ऑल इंडिया ने आपको समय समय पर बताया वो सब कुछ सच ही रहता है, बस देखने का नजरिया लोगों का अलग अलग है, काफी लोगों को भरोसा है तो वो देखते हैं। इसके अलावा आपको एक बात और बता दें, सुबह 7 बजे का ट्रेनिंग का ही वीडियो आप लोगों को दिखाया, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू है तो ट्रेनिंग में क्या कैसे होता है, ऐसे चीज को लेकर के आगरा जनपद की एक ट्रेनिंग का मैंने वीडियो आपको दिखाया है, एतमादपुर ब्लॉक का जबरदस्त वीडियो आप लोग एक बार देखेंगे तो वाकई में आपको बहुत पसंद आएगा। बाकी आप ये देख लीजिए, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका ऐसे कुछ लिखा हुआ है, वहीं से एक ये भी कार्यक्रम चल रहा है, अभी मैंने इनके बारे में बताया भी था। यहां पर भी जो आपका BLT है उसी से जुड़ी हुई जो है ट्रेनिंग बहनों की कराई जा रही है। अब यहां पर भी अगर वीडियो आता तो अच्छा लगता। इसके अलावा ये बहन है, इनके द्वारा ये जानकारियां भेजी। अब आगे चलते हैं दोस्तों और बताते हैं। ये देखिए भैया, मेरा मानदेय 4 माह से नहीं आया है और जो है उनका कहना है आज बैंक गए तो बोला आपका मानदेय नहीं आया है। तो देखिए ये हम अगर आपका मानदेय नहीं आता है, कोई भी हो, तो अपने वहां DPO से आप कह सकती है कि आपका मानदेय नहीं। अगर आप 4 महीने से मानदेय नहीं आ रहा तो आप जरूर अपने DPO से कहिए, मानदेय बना करके भेज देंगे, और हो सकता है आपके खातों में भेजा गया हो। तमाम तरह से जो कभी बार पैसे नहीं पहुंच पाते कारण बस, तो अपना उनसे भी संपर्क कर लीजिएगा एक बार। बाकी आप लोगों को हमने बताया है, मानदेय देखने के तरीके भी बताए, ममता कुमारी बहन है उनके पैसे की बात है, तो DPO ही मानदेय भेजते हैं, DPO ही बना करके भेजते हैं, तो आप DPO से संपर्क करिए, DPO के पास यह अधिकार होता है। इसके अलावा चलते हैं भैया जी, ब्लॉक वगैरह लिखा हुआ है शायद सीधपुरा जनपद वगैरह कासगंज में वजन मशीन आ गई है, सविता वर्मा बहन है, बहुत अच्छी बात अगर वो आपके वहां आ गई है। बाकी कुछ जनपद है जहां पर तो खरीदने के लिए जो बहनों से ही बोल दिया गया, अपने पैसों से आंगनबाड़ी बहनों ने खरीदी है और ये कहा गया था कि उनका पैसा पहले ही फ्लेक्सी फंड में जो मद में 2000 आया था, तो हो सकता है भाई आया हो उसी से पैसे, काफी जगह वजन मशीनें भी खरीदवाई गई है। इसके अलावा दोस्तों बता दें, विभा कुमारी बहन है रुपौली पूर्णिया बिहार से, उनके वहां पर भी ये देखिए कच्चे राशन का वितरण बहन के द्वारा किया जा रहा है, ये सकते हो, और बिहार में OTP व्यवस्था लागू है और उसी अनुसार से वितरण सारे कराए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, एक और हमारे पास ये आया एक खबर, हिंदुस्तान वालों की खबर जो है छपी है हल्द्वानी वगैरह जो उत्तराखंड में पड़ता है, 17 दिसंबर की ये खबर है, आप देख लीजिएगा इस साइड में, कैसे हर बच्चे तक पहुंचे पोषण, इसको लेकर के एक आर्टिकल छपा है, शोभा सूरी जी है सीनियर वगैरह शायद कुछ लिखा हुआ ऐसे, और हेल्थ वगैरह डिपार्टमेंट से जुड़ी होंगी, तो ऐसे इधर देखिए इसमें क्या है, पोषण के मामले में केंद्र सरकार महज योजनाएं बना सकती है पर उनको संजीदगी वगैरह से लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को निभानी पड़ेगी। अब राज्य सरकारें क्या करती हैं वो आप लोग भलीभांति जानते हो, चाहे उत्तर प्रदेश ले लो, चाहे आप अन्य स्टेट ले लो, अभी आपको हमने पश्चिम बंगाल का भी साथ दिखाया था, छोला का ऑर्डर था लेकिन छोला मिलता नहीं है, चना वगैरह उत्तर प्रदेश में देखा आपने, दूध घी साथ ही साथ दाल, ये तीन चीजों का प्रावधान है लेकिन ये तीनों चीजें दी नहीं जा रही है। ऐसे और भी स्टेट होंगे वहां पर भी जो प्रावधान होंगे उस अनुसार जो है काफी चीजें मिलती नहीं होंगी जमीन पर, तो कुपोषण कैसे मिट जाएगा, लोग पोषित कैसे हो जाएंगे, केंद्र सरकार कितना भी प्रयास करे। इसके अलावा दोस्तों देखिए, उत्तराखंड इंडिया से सुमन देवी बहन, ये उन्होंने लिख करके अपना भेजा हुआ है, बहन को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है चैनल पर। इसके अलावा दोस्तों बता दें, ये देखिए एक और मैसेज आया है, सुधांशु भैया नमस्ते, आज ब्लॉक वगैरह लालगंज जिला मिर्जापुर में समूह की महिला व आंगनबाड़ी की बैठक एक साथ अधिकारियों ने जो है अपना लिया हुआ है, जिसको जो कार्य है उसको वो बताया गया है, सुमन गुप्ता बहन है, अच्छी बात है। ये देखिए बहनें बैठी हुई है नीचे, ये मीटिंग की एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे इस तरह से ब्लॉक पर मीटिंग कराई गई जिसमें आंगनबाड़ी बहन है, समूह की महिलाएं हैं, सभी लोग हैं, जिसकी जिसकी जो भूमिकाएं जिम्मेदारी है वो बताई जा रही हैं, और पूर्व में ही सारी जिम्मेदारियों को लगभग आपका 1.5 महीना 2 महीना पहले ही ऑल इंडिया ने बता रखा है, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से। अब फिर भी आप लोग खुश सोचिए, हम जो आज आपको बताएंगे वो आपको विभाग के माध्यम से 1.5 महीना बाद पता चलेगा, तो इसीलिए कहता रहता हूं कि अपना समय निकालो, कीमती और ऑल इंडिया से जुड़े रहो, पता चलता रहेगा आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, वो सब आपको पता चलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे मिलना चाहेंगे फिर हम अगले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों से कहना चाहेंगे, वीडियो अच्छा है, एक तो आप लोगों की किताबों को लेकर के जो किताबें आपको देखिए पढ़ाने को मिलेंगी, तो अब कहीं ना कहीं आपके ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ गई है, उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों, अन्य स्टेटों में भी यही हाल होगा, नई नई किताबें, नया नया पाठ्यक्रम सब तैयार हो रहा है, पाठ्यक्रम के बारे में मैंने पूर्व में भी कहा था कि पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, और अब देख लीजिए किताब भी आपकी हिंदी की जो किताब है उसकी भी बातें होनी स्टार्ट हो गई है, तो अब कुछ ना कुछ आप लोगों को पढ़ाने का जो तरीका है वो भी आपको सीखना पड़ेगा। जरूरत पड़ी ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल आप लोगों के लिए ये पढ़ाई का भी तरीके को लेकर के भी एक वीडियो एक दो बनाएगा अच्छे, ताकि आप लोगों को लगे, और वीडियो हमारे माध्यम से भी हो सकते हैं, आपकी बहनों के माध्यम से भी हो सकते हैं, यानी जो आंगनबाड़ी बहनें अच्छे तरीके से पढ़ाना जानती होंगी, नई वाली पुरानी वाली जो भी होंगी अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगी, उनके पढ़ाई के वीडियो भी ऑल इंडिया पर आएंगे, उनको भी आप देख करके पढ़ने का पढ़ाने का जो तरीका है उसको बहुत और भी अच्छे ढंग से सीख पाएंगी, और पता चलता रहेगा किन किन जनपदों में बढ़िया बढ़िया बहनें किस किस तरीके से पढ़ाती हैं, इससे
जिससे एक दूसरी बहनों की मदद होती रहेगी और साथ ही साथ जो पढ़ाई का एक सिलसिला है आप आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से वो भी काफी अच्छा हो जाएगा। और जो हमेशा लोग कहते रहते हैं कि प्री प्राइमरी में जो है अन्य लोगों को लगाना चाहिए, शिक्षकों को लगाना चाहिए, आंगनबाड़ी को नहीं लगाना चाहिए, तो उनको भी पता चले कि आंगनबाड़ी बहनें भी कम नहीं है, वो भी कर सकती हैं, कोई बड़ा काम नहीं है छोटे बच्चों को पढ़ाना 3 से 6 वालों को। तो उनके लिए जो भी किताबें तैयार होंगी उनको लेकर के भी बढ़िया से हम सब बता देंगे, समझा देंगे। आपकी जो बहनों के स्वरूप जो वीडियो आएंगे वो भी ऑल इंडिया पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो अपना समय निकालिए और ऑल इंडिया से जुड़े रहिए, डेली आने वाली खबरों को देखते रहिए, बहुत कुछ आपको पता चलता रहेगा। ये आपका परिवार जैसा है और यहां पर आपको हर एक चीज बताई जाती है। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया होगा। अब हम